तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है अब एडमिसिबल डिडक्शंस अंडर पीजीबीपी। पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम वही चैप्टर कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब हमारी एडमिसिबल डिडक्शंस यानी ऐसी डिडक्शन, ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो अगर हमने अपने बिजनेस के लिए किए हैं, तो जब हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। यानी हम उसको अपनी इनकम में से माइनस कर सकेंगे। इससे क्या होगा, हमारी टैक्सेबल इनकम कम होगी और हमें इनकम टैक्स कम पे करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, हमने क्या बात की थी, हमारी डिडक्शन स्टार्ट होंगी सेक्शन नंबर 30 से, ठीक है। तो सबसे पहले अब सेक्शन 30 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 30 से स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पीजीबीपी में हम सेक्शंस भी याद करेंगे और फिर सेक्शंस आपको ना घर जाके क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या होगा, क्लास में ही आपको सेक्शंस अच्छे से मैं याद करवा दूंगी, तो ठीक है, इसकी टेंशन ना लो कि हम सेक्शंस को लर्न कैसे करेंगे, सेक्शन नंबर को। अभी हम क्लासेस में ही सेक्शन नंबर को अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करी हमने सेक्शन नंबर 30 की। और सेक्शन 30 किस कौन सा सेक्शन है ये देखो, यहाँ से समझो। ऊपर पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको, ये देखो, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है जिसमें जो बिजनेस या फिर जो प्रोफेशन है वो यहाँ पर रन होता है, ठीक है। यानी बिजनेस या फिर प्रोफेशन जो भी है एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो इस बिल्डिंग में उसको चला रहा है। मान लो वो पर्सन है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने इस बिल्डिंग को मिस्टर बी से ना रेंट पे ले रखा है, ठीक है। यानी मिस्टर ए कौन हुए, वो इस बिल्डिंग के टेनेंट हैं और मिस्टर बी कौन है, वो ऑनर है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखो, इतना तो आप सबको पता है ना, अगर आप किसी से रेंट पे कोई बिल्डिंग ले रहे हो तो आप क्या कर रहे होंगे, उसको हम रेंट पे कर रहे होंगे, ऑब्वियसली ना, फ्री में तो नहीं ली होगी हमने, हम उसको रेंट पे कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को रेंट पे करते हैं। क्या पे करते हैं, वो रेंट पे करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये एक्सपेंस किसके लिए हुआ और ये इनकम किसके लिए हुई। ऑब्वियसली अब आप क्या कहोगे, मैम ये मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है और मिस्टर बी के लिए इनकम है। एक्सपेंस किसके लिए हुआ, मिस्टर ए के लिए। और यहाँ पर अब हम बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने एक्सपेंस किया है क्योंकि उनको डिडक्शन लेनी है, ठीक है। तो अब वो डिडक्शन कैसे कैसे ले सकते हैं वो हमें बताएगा सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, अगर बिल्डिंग के लिए रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, ऐसे सब पे किया है, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया एक टेनेंट का, अगर उसने एक्सपेंस किया है। अब अगर मान लो जो बिल्डिंग है वो ऑनर की खुद की है, तो उसके लिए भी तो एक्सपेंस हो सकते हैं। एक्सपेंस कैसे होंगे, उनको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो अब वो सारे आगे हम डिस्कस करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। सबसे पहले तो ना स्टूडेंट्स, बात क्या होती है, जो कन्फ्यूज़न आती है कि मान लो, एक मिनट रुको, यहाँ ये पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब मान लो हमने जो बात की थी कि वो एक बिल्डिंग थी, क्या थी, एक बिल्डिंग थी। अब स्टूडेंट्स हो सकता है ना कि वो बिल्डिंग पार्टली, तो यानी उसको थोड़ा सा तो बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता, और जो बैलेंस बिल्डिंग है उसको कोई अपने अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इस केस में आप कितनी डिडक्शन लोगे, बताओ स्टूडेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम उतनी ही डिडक्शन एक्सपेंसेस की लेंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर किसी से रेंट पे बिल्डिंग ली है तो हम उसको रेंट पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये मान लो अगर ऑनर की खुद की बिल्डिंग है, वो अपनी ही बिल्डिंग में अपने बिजनेस या प्रोफेशन को रन कर रहे हैं, तो वो रेट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, उसके लिए कुछ रिपेयर्स लग रही होगी, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ये सब कुछ वो क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे ना। तो ये भी उनके लिए क्या हो गए, वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग को पार्टली यूज़ किया जा रहा है बिजनेस के लिए और पार्टली किया जा रहा है अदर पर्पज़ के लिए, तो बताओ कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए। इसका आंसर आप खुद एक बार सोचो, कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए इन योर बिजनेस। बहुत सिंपल है ना, जितना आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो ना, जितना पोर्शन आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, उतने ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, आपको पीजीबीपी मुश्किल क्यों लगता है चैप्टर, आप इसको क्रैम करने की कोशिश करते हो। इसको क्रैम मत करो, इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, इसको समझो। ये क्योंकि हमारे नॉर्मल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, ये हमें सबको पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्रैम करते हैं तो वो डिफिकल्ट बनता है। क्लियर है, देखो। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से हमारा खत्म हो गया, दैट प्रिमाइसेस, इफ प्रिमाइसेस यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, तो क्या होगा,
where the premises are partly used for business and partly for other purpose, only a proportionate part of expenses attributable to that part of premises used for purpose of business will be allowed as a deduction. जो अभी हमने बात की थी कि जितना हम अपनी business में उस building को use कर रहे हैं उतने ही proportionate expenses की हमें क्या मिल जाएगी, deduction मिल जाएगी. ठीक है, जितना business के लिए use कर रहे हैं उतनी deduction लोगे ना. Clear है? चलो अब students next important point क्या आता है, premises sublet. इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने किसी से एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया. ठीक है, आपने एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया. मानो यहाँ क्या हुआ था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक बिल्डिंग रेंट पे ली. अब मिस्टर ए ने क्या किया, इस बिल्डिंग को पहले उन्होंने रेंट पे ले ली और उसके बाद इस बिल्डिंग को सबलेट कर दिया, यानी मिस्टर सी को रेंट पे दे दिया. ठीक है, तो यहाँ क्या था, मिस्टर बी इज एन ऑनर जिन्होंने मिस्टर ए को रेंट पे बिल्डिंग दी थी. अब मिस्टर ए ने आगे से उस बिल्डिंग को सबलेट कर दिया. सबलेट किसको करा, एक मिनट स्टूडेंट्स, उन्होंने जो बिल्डिंग ली थी मिस्टर सी को वो बिल्डिंग सबलेट कर दी. ठीक है, यानी मिस्टर सी को बिल्डिंग दे दी. अब मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर मान लो कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 2 लाख रुपीज़ पे कर रहे थे पर मंथ रेंट का. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि अरे मेरा रेंट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, मैं कैसे इसको कम करूँ. उन्होंने सोचा बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मैं काम करता हूँ थोड़े से पार्ट को मिस्टर सी को मैं रेंट पे दे देता हूँ और उनसे मैं 80,000 रेंट ले लूँगा. ठीक है, यानी 2 लाख रुपीज़ उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर था जिसमें से 80,000 की अब उनको इनकम भी हो रही है क्योंकि वो मिस्टर सी से उसको ले रहे हैं. तो अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मुझे ये बताओ कि इसमें उसको कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए, 2 लाख रुपीज़ या फिर 80,000, मतलब कैसे करना चाहिए एक बार खुद सोचो. देखो क्या हो रहा है, 2 लाख रुपीज़ पे किए, 80,000 तो वो रिकवर कर रहे हैं ना सबलेट से, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, 2 लाख रुपीज़ माइनस 80,000, कितना, सिर्फ 1,20,000 की ही डिडक्शन मिलेगी क्योंकि 2 लाख में से 80,000 की उनको सबलेट से इनकम आ रही है. क्लियर स्टूडेंट्स, यही ये पॉइंट है. देखिए, Where the assessee has sublet a part of the premises, देखो स्टूडेंट्स हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, Where the assessee has sublet a part of the premises, the allowance under this section would be confined to the difference between the rent paid by the assessee and rent recovered from the subtenant. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि उनको कितना एक्सपेंड डिडक्शन मिलेगी, उनको उतनी ही डिडक्शन मिलेगी, यानी उनको डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन वुड बी कन्फाइंड टू द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम, यानी जितना उन्होंने पे किया जितना उन्होंने रिकवर किया उसका जो डिफरेंस है ना, यानी 2 लाख माइनस 80,000 डिफरेंस 1,20,000, उतनी ही उनको डिडक्शन मिलेगी. क्लियर हो गया पॉइंट. चलो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑक्यूपेशन ऑफ प्रिमाइसिस बाय द असेसी बींग द ऑनर. अब चलो ये वाला करें, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या पॉइंट आता है, अगर आपने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर लिया हो तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अप टू 2 बिल्डिंग्स, क्योंकि अमेंडमेंट आई है हाउस प्रॉपर्टी में कि आप अप टू 2 बिल्डिंग्स को तो क्या रख सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाई रख सकते हो, लेकिन जो 3rd बिल्डिंग होगी ना उसका आपको नोशनल रेंट कैलकुलेट करना पड़ता है. ये मैं बात कर रही हूँ हाउस प्रॉपर्टी की, इट इज़ एन अमेंडमेंट, तो आपने सबने अच्छे से उसको कर ली होगी. ठीक है, अब ऐसे ही आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या बिजनेस में भी ऐसे ही होगा कि अगर वो बिल्डिंग को खुद से यूज़ कर रहे हैं, यानी वो बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, जैसे हम बात करते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर बिल्डिंग अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या हमें भी उसका भी नोशनल रेंट लेना है जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कोई नोशनल रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. जब आप नोशनल रेंट लोगे नहीं, उसको एज इनकम दिखाओगे नहीं अपनी कहीं पे भी, तो आप उसके बाद डिडक्शन भी नहीं लोगे. ठीक है, यानी यहाँ पर नोशनल रेंट की टर्म नहीं है. अगर बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाई है तो कोई नोशनल रेंट की टर्म नहीं आएगी, ना ही तो वो क्या होगी, इनकम होगी, और ना ही अगर हम ना ही हम उसका वो एक्सपेंडिचर दिखाएंगे. क्लियर है स्टूडेंट, यही यहाँ लिखा है, वेयर द असेसी हिमसेल्फ इज द ऑनर ऑफ द प्रिमाइजेस एंड ऑक्यूपाइज देम फॉर हिज बिजनेस पर्पज, नो नोशनल रेंट वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन. इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो ये मान ले ये बिल्डिंग मैंने खुद से अपने लिए वो करी है, ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, अगर क्या करूँ मैं इसका, मेरे को नोशनल रेंट एज्यूम कर लूँ. ठीक है, नोशनल रेंट उसने मान लो कुछ भी एज्यूम कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा, नोशनल रेंट यहाँ पर नहीं आएगा. वो हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते थे, यहाँ नहीं दिखाओगे. क्लियर है स्टूडेंट, नोशनल रेंट की टर्म यहाँ नहीं आएगी, यहीं पर यह था. चलो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिपेयर्स ऑफ द प्रिमाइजेस. मान लो
अब एक बात बताओ, आपका एक प्रिमाइजेस है, एक बिल्डिंग है, तो क्या होता है, छोटी मोटी रिपेयर्स तो होती रहती है ना, हो सकता है कोई बड़ी रिपेयर भी हो रही हो। तब पॉइंट आता है कि उस रिपेयर का, क्योंकि हम यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग कर रहे हैं ना डिस्कस सेक्शन 30 में, तो उस रिपेयर का क्या करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या आ रहा है कि उस रिपेयर की डिडक्शन कैसे मिलेगी। देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर आपको लग रहा है ना कि मैम कैसी रिपेयर, क्या होता है, एक बिल्डिंग है, मान लो उसका क्या हो रहा है, कहीं से कुछ वहाँ पे वुडन वर्क हुआ हुआ था, ठीक है, लकड़ी का काम हुआ हुआ था, वो लकड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, या फिर मान लो कुछ भी आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसकी बिल्डिंग की अगर कुछ रिपेयर हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिल्डिंग में और रिपेयर हो रही है, तो कैसे उसकी डिडक्शन लेंगे, वो डिडक्शन कैसे लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात बताऊँ, रिपेयर्स हमारे पास ना टू टाइप्स की होंगी, ठीक है। अभी हम इसको जो हमारे इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो भी पढ़ते हैं, पहले सुन लो। रिपेयर दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिपेयर, जिसको हम कहते हैं करंट रिपेयर, जो हमने हमारे बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से क्लियर किया था कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। यहाँ मैं फिर भी आपको ओवरव्यू देती हूँ, रेवेन्यू रिपेयर थी जो क्या था, करंट रिपेयर, और एक होती है कैपिटल रिपेयर। कैपिटल रिपेयर का क्या मतलब होता है, कैपिटल रिपेयर का मतलब होता है ऐसी कुछ रिपेयर कर रहे हो आप जिससे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो आपकी असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, उसमें कुछ ऐड कर रहा है। अगर तो बात है रेवेन्यू रिपेयर की, यानी करंट रिपेयर की, यानी छोटी मोटी कोई ऐसी रिपेयर हो रही है जिससे वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही हमारी असेट की, वो तो अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर बात आती है कैपिटल रिपेयर्स की, मैंने पहले ही क्या बोल रही हूँ बार बार कि उससे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है, एडअप होता है, तो उसकी आप डिडक्शन नहीं लोगे, उसका क्या करोगे आप, उसको आप असेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे। क्लियर है स्टूडेंट, रेवेन्यू रिपेयर हुई यानी करंट रिपेयर्स अगर हो रही है तो आपको डिडक्शन अलाउड है, अगर कैपिटल रिपेयर्स है तो डिडक्शन अलाउड नहीं है, उसका क्या होगा, असेट की वैल्यू में उसको एडअप करो। क्लियर है। अब बात आती है, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टेनेंट के भी और ऑनर के भी। अगर किसी केस में टेनेंट कोई रेवेन्यू रिपेयर कर रहा है, उसको भी एक्सपेंडिचर अलाउड है। अगर किसी केस में ऑनर कोई रेवेन्यू रिपेयर कर रहा है, उसको भी एक्सपेंडिचर अलाउड है, यानी दोनों ही पर्सन्स को रेवेन्यू रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर अलाउड है, कैपिटल रिपेयर्स का नहीं है। यही यहाँ पे लिखा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेंट, द सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ठीक है, इन केस वेयर द सेसी इज द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, या फिर वेयर द सेसी इज अ टेनेंट हु हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू द प्रिमाइसेस, यानी चाहे ऑनर की बात हो वो भी हम यहाँ करेंगे, टेनेंट की बात हो वो भी हम इसी सेक्शन में करेंगे, या फिर इवन इफ द सेसी ऑक्यूपाइज द प्रिमाइसेस अदरवाइज देन एज अ टेनेंट और ऑनर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर उसने कैसे लिया है, अभी तक हमने दो बातें करी, या तो वो टेनेंट होगा या वो ऑनर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने लीज एग्रीमेंट पढ़ा है, अकाउंट्स में क्या होता है, उसमें लेसर अपनी बिल्डिंग को लीज पर क्या देता है, लेसी को दे देता है, या फिर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है। तो अगर कोई बात यहाँ पे लेसी की, लाइसेंसी की, मॉर्गेज की आ रही है ना, तो भी उनको रिपेयर अलाउड होगी। इसका मतलब रेवेन्यू रिपेयर हर किसी को अलाउड है, ठीक है, टेनेंट को भी, ऑनर को भी, लाइसेंसी, लेसी, मॉर्गेज, इन सबको भी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलो अब उसके बाद क्या है पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि वो क्या होता है, वो एडअप होती है हमारी कॉस्ट ऑफ असेट में, उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। हो गया ये भी पॉइंट क्लियर, इसको एक बार आप पढ़ लेना, इसके अंदर यही टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, ये तो हमारी बात हो गई कि हमने क्या क्या बातें अभी तक करी, कि मान लो कोई रिपेयर हो रही है या फिर कोई और एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। अब बात क्या आती है, अगर इनके अलावा कोई रेंट रिपेयर्स के अलावा कोई एक्सपेंडिचर है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। इसके अलावा कौन सा एक्सपेंडिचर हो सकता है एक बिल्डिंग पे, रेंट हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, और भी तो हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स। कैसे, मान लो कोई उसको क्या देना है, लैंड रेवेन्यू देना है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस करवाया है बिल्डिंग का, उन सब की बात इसमें अदर एक्सपेंसेस के केस में होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो अगर हमने ऐसी कोई एक्सपेंडिचर करा है अदर एक्सपेंस, यानी हमने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, इंश्योरेंस पे करवाया है, लैंड रेवेन्यू का कोई केस है, तो इन केसेस में क्या है, इन केसेस में भी हमारी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो डिडक्शन कौन कर रहा हो, ऑनर कर रहा हो, और अगर किसी केस में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि इंश्योरेंस या फिर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब डिडक्शंस, ये सब एक्सपेंडिचर किसको करने हैं, टेनेंट को, तो टेनेंट को भी ये वाली डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी। यानी
अदर एक्सपेंडिचर के केस में टेनेंट को भी सारी डिडक्शंस अलाउड है और ऑनर को भी अलाउड है, जो करेगा एक्सपेंडिचर उसको अलाउड होगी, ठीक है। चलो इस पॉइंट को एक बार देख लो। इन एडिशन डिडक्शंस आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू लोकल रेट्स म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइजेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन सेसेस रेट्स एंड टैक्सेस लेवड बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर ऑल्सो अलाउड। क्लियर है स्टूडेंट? अगर फॉरेन गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है वो भी अलाउ होगा अगर आपने वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो। अब तक हमने जो किया ये तो क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको पॉइंट्स, लेकिन अब इसकी हम समरी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, एक बार ये टेक्स्ट रीड कर लो, उसके बाद जब आप रिविजन कर रहे हो ना इस टेक्स्ट को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में पॉइंट्स बैठ गए होंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई है ना आपको सिर्फ ये समरी रीड करनी, ठीक है। समरी में क्या है, दो बातें हम दो पॉइंट्स हमने ले रखे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑनर का और टेनेंट का। रेंट किसको अलाउड होता है बताओ, रेंट किसको अलाउ होगा, रेंट अलाउड होगा टेनेंट को। अब देखो एक बात मुझे बताओ, रेंट का एक्सपेंडिचर कौन करता है, टेनेंट या ऑनर? टेनेंट करता है ना तो ऑब्वियसली उसको अलाउड होगा, ऑनर के लिए तो वो इनकम है, उसके लिए तो एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो रेंट के केस में ऑनर को नॉट अलाउड, टेनेंट को अलाउड। रेट्स एंड टैक्सेस हमने बात की थी दोनों को अलाउड है, इंश्योरेंस दोनों को अलाउड है, ये दोनों किस में आ रहे थे हमारे अदर एक्सपेंडिचर वाले केस में। रेवेन्यू रिपेयर दोनों को अलाउड है, कैपिटल रिपेयर किसी को भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिपेयर के केस में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, कैपिटल रिपेयर के केस में आपको उसको आपकी बिल्डिंग के आपके प्रिमाइजेस असेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक और अच्छे से देखें, सिर्फ रेंट के केस में ये नॉट अलाउड हो रहा है, बाकी सबको अलाउड है, रेंट के केस में तो नॉट अलाउड होना ही है, इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वो एक्सपेंडिचर था ही नहीं, वो इनकम होती है, ऑनर को इनकम होती है ना रेंट की, तो यहाँ ये पॉइंट ही नहीं आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो इसका मतलब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर चाहे वो टेनेंट कर रहा है चाहे वो ऑनर कर रहा है सबको अलाउड होते हैं, कैपिटल रिपेयर वाला तो वैसे भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 31। हमने सेक्शन 30 में बात करी है बिल्डिंग की, सेक्शन 31 में हम बात कर रहे हैं मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर की, ठीक है। सेक्शन 30 में बात करी बिल्डिंग की, सेक्शन 31 में बात करें मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर की। चलो इसको मार्क कर लो। अब स्टूडेंट्स एक और कन्फ्यूजन जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होती है, सेक्शन नंबर याद करने में। तो याद रखना हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हमारी एडमिसिबल डिडक्शंस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सेक्शन नंबर 30 से, ठीक है। अब कन्फ्यूजन होती है सेक्शन 30 किसका और 31 किसका। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बिल्डिंग लाओगे अपने बिजनेस के लिए या फिर पहले आप प्लांट एंड मशीनरी ले आओगे, फर्नीचर ले आओगे? ऑब्वियसली ना एक बात आओ, जब आप अपना घर बनवाते हो घर में भी क्या करोगे, पहले बिल्डिंग को खड़ा करोगे या फिर पहले आप जाके फर्नीचर ले आओगे? नहीं ना, पहले हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हम अपना फर्नीचर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट से याद कर लो, सेक्शन 30 पहले बिल्डिंग आएगी, सेक्शन 31 30 के बाद आता है, तो उसके पहले बिल्डिंग आएगी, उसके बाद मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर आएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है, इसको याद कर लो अच्छे से। चलो अब बात होती है सेक्शन 31 में क्या है, अगर आप कोई मशीनरी प्लांट फर्नीचर ला रहे हो तो उस पर भी एक्सपेंडिचर होंगे। कैसे एक्सपेंडिचर? उसके रिपेयर हो सकती है, उसके लिए हमने हो सकता है उसको इंश्योर्ड करवाया, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी अब वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अगर मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर को आपने यूज़ किया हो या ना किया हो, ठीक है, कि कौन से केस में आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, यहाँ से पढ़ो। यूसेज ऑफ असेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, यूजेज ऑफ असेट। तो क्या है, इन ऑर्डर टू क्लेम दिस डिडक्शन द असेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ असेसी ओन बिजनेस द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर बीइंग टैक्स्ड, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स इसकी डिडक्शन लेनी है इस एक्सपेंडिचर की, तो फर्स्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो असेट, असेट यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर की, उसको आपने अपने बिजनेस में यूज़ किया हो, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन यूज्ड, इट मस्ट हैव बीन यूज्ड, और कौन से बिजनेस में, जिसकी हम इनकम टैक्सेबल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन के केस में हम कैसे करते हैं, हम डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं कि अगर हमारी असेट, ठीक है, अभी आपने आगे जो इसका सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वो अभी आपने रीड आउट नहीं किया ना,
तो अभी मैं आपको अकाउंट्स वाली टर्म पे लेके जाती हूँ। उसमें हम क्या करते थे कि हमने जितने टाइम के लिए हमारी असेट को यूज़ किया होता था, हम प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में किसी और तरीके से निकालते हैं वो बात करेंगे, बट अभी मैं ज्यूम कर रही हूँ आपने वो नहीं पढ़ा, क्योंकि सेक्शन 32 मैंने इसके बात करवाना है। तो अभी मैं आपको अकाउंट्स की टर्म से रिलेट करती हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन निकालते थे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर हमने यहाँ पर भी मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर को थोड़े टाइम के लिए अज्यूम कर लो कि हमने 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया या फिर हमने 5 मंथ्स के लिए यूज़ किया और बाकी मंथ्स के लिए हमने उसको यूज़ नहीं किया, वो ऐसी ही आइडल पड़ी रही, तो क्या अब हम उसको कैसे उसका रिपेयर्स की हम डिडक्शन लेंगे। डेप्रिसिएशन के केस में तो प्रोपोर्शनेट करते, तो क्या यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, इक्वेशन अराइज होता है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे यही गिवन है दैट इवन इफ एन असेट इज यूज फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर द असेसी इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। यानी डेप्रिसिएशन में प्रोपोर्शनेट करते थे ना, लेकिन हमारे इस केस में सेक्शन 31 में रिपेयर एंड इंश्योरेंस में प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर के में हम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। अगर आपने उसको चाहे 1 महीने के लिए भी यूज़ किया है ना, तो आपको फुल डिडक्शन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? फुल अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी जो आपने एक्सपेंडिचर किया हुआ, किस पर? रिपेयर एंड इंश्योरेंस पर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये याद रखना कि इसको डेप्रिसिएशन से कंफ्यूज मत करना। बहुत स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो इसको डेप्रिसिएशन से कंफ्यूज कर देते हैं, और क्या होता है, आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वो आपको इसके मंथ्स दे देगा। क्या कि रिपेयर की जो आपका फर्नीचर है या फिर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इतने टाइम के लिए यूज़ हुई, तो आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है, हम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, उसके फुल अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? चलो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, अब पॉइंट आता है कि आप रिपेयर में क्या क्या मानोगे, ठीक है। आप रिपेयर में क्या क्या इंक्लूड करोगे, क्या क्या एक्सक्लूड करोगे। अब आप रिपेयर में क्या क्या करोगे, देखो स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं कई बार, हम क्या करते हैं कि मान लो कोई असेट, हमने कोई फर्नीचर को रिप्लेस कर दिया या फिर हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट क्या होता है कि उसको दोबारा से उसकी कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। एक बार उसको बिल्कुल ख़त्म करके उसी मटेरियल से दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो क्या हम उसको रिपेयर मानेंगे? एक बार खुद से सोचिए, देखो ना कि हमने क्या किया, या तो उसको रिप्लेस ही कर दिया या फिर कम्प्लीटली उसको ख़त्म करके नया बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये रिपेयर में आना चाहिए? नहीं ना, ये तो रिपेयर में आना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। चलो, तो इट मीन्स रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? और देखो स्टूडेंट्स, और क्या होता है, हम कई बार क्या करते हैं, प्लांट मशीनरी या फर्नीचर को हम रेनोवेट करते हैं, ठीक है। अगर रेनोवेशन हो रहा है या फिर उसका कुछ रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई मेजर उसमें हम डिफरेंस तो नहीं लाते ना, रेनोवेशन में हम कोई मेजर तो नहीं लाते, रिकंस्ट्रक्शन में मेजर चेंज आता है, ठीक है, ये तो माइनर चेंजेस होते हैं, तो इसको हम रिपेयर मानते हैं। इसका मतलब रिपेयर्स एक्सक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट, और इंक्लूड क्या होगा, रिन्यूअल और रेनोवेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर रेनोवेशन या रिन्यूअल पे कोई एक्सपेंस हो रहा है रिपेयर पे, तो वो हमें अलाउड हो जाएगा, अगर रिप्लेसमेंट या रिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट है तो अलाउड नहीं होगा। रिन्यूअल और रेनोवेशन अलाउड होगा, रिप्लेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन को हम रिपेयर नहीं मानते, तो इस सेक्शन में वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Also the deduction allowable under this section is only of current repairs but not areas of repair. Students, it's very important, इसको mark करो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर section 31 में आपको किसकी deduction मिलेगी, अगर आपने कुछ current repair किया, यानी अगर आपने इसी साल के लिए, जिस साल की हम टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसी प्रीवियस ईयर के लिए आपने रिपेयर्स करी है, तो आपको एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। बट इन केस मान लो आपने 2 साल पहले कोई रिपेयर करवाई थी, ठीक है, आपने तब उसका ना अमाउंट पे नहीं किया था, अब वो पर्सन आया, अरे मेरा अमाउंट पे करो, आपने तो अमाउंट पे ही नहीं किया, तो अब आपने उसको उस रिपेयर का एक्सपेंडिचर, उस रिपेयर की पेमेंट दे दी, तो यहाँ पर आप उसकी डिडक्शन नहीं लोगे। यहाँ पर हम बात करें करंट रिपेयर्स की, एरियर ऑफ रिपेयर्स की नहीं कर रहे, ठीक है। उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 37, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं 31 की, जो बात है करंट रिपेयर्स की। स्टूडेंट्स पता है क्या होता है कि जो माइनर से पॉइंट्स हैं ना, यही आपको पेपर में अटकते हैं, ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पे आप गड़बड़ करते हो, तो इसको अच्छे से याद कर लो, 31 में करंट रिपेयर्स की है, एरियर ऑफ रिपेयर्स की नहीं, करंट रिपेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम।
देखो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है. अगर हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें टाइमली हमें उसका प्रीमियम पेड कर प्रीमियम पे करना होता है. ठीक है, हमें एक प्रीमियम पे करना होता है. अब बात आती है इंश्योरेंस प्रीमियम के डिडक्शन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी. सो द आंसर इज येस, इसकी डिडक्शन मिलेगी, बट देयर आर फॉलोइंग कंडीशन जिसके बेसिस पर डिडक्शन मिलेगी. ठीक है, कंडीशंस क्या है बहुत इजी है, एक बार देख लेते हैं. देखो स्टूडेंट्स क्या बात है, इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए. इंश्योरेंस मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द मशीनरी प्लांट ऑफ फर्नीचर. अरे अगर ये यहाँ ना भी लिखा होता ना, हमें तब भी पता था. देखो क्रैमिंग करना छोड़ दो इनकम टैक्स में, इजीली याद आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. ठीक है, क्या बात है, आप अपने प्लांट मशीनरी को या फिर फर्नीचर के लिए इंश्योरेंस क्यों करवाओगे. आप इंश्योरेंस इसलिए करवाओगे ना कि कहीं पे वो क्या हो, डैमेज ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसमें कुछ टूट ना जाए. ठीक है, तो सेक्शन 31 में हम कौन से इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डीडी, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डीडी, डीडी यानी डैमेज और डिस्ट्रक्शन. ठीक है, यहाँ पे लिख लो हम सेक्शन 31 में कौन से इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डीडी. ठीक है, इस डीडी का मतलब दूरदर्शन नहीं है, इस डीडी का मतलब है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन. ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, द असेट मस्ट बी यूज बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. वो जो असेट है वो किस में यूज होनी चाहिए थी, ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, वो असेट यूज होनी चाहिए थी आपके बिजनेस या फिर आपके प्रोफेशन के लिए. क्लियर है, हमें पता है पीजीबीपी में हमें उसी के डिडक्शन मिल रही है जो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रहा है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है द प्रीमियम शुड हैव बीन एक्चुअली पेड. अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, या तो उस प्रीमियम को आपने पे किया हो या फिर वो पेएबल हो अंडर मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जहाँ पर जब एक्सपेंडिचर हो जाता है. ठीक है, यानी यहाँ पर आप मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, आप कैश सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, आप ये नहीं कर रहे अकाउंट करते हुए कि हमने ये कैश पे किया तभी हम अकाउंट्स में लिखेंगे, नहीं, आप मर्सेंटाइल कर रहे हो कि हाँ पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर हो गया तो हम उसको लिख रहे हैं. ठीक है, तो अगर वो केस है तो आपने एक्सपेंडिचर कर लिया हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर लिया हो, या फिर मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने रिकॉर्ड कर लिया हो, और या फिर आपने उसको एक्चुअली पे कर लिया हो. ठीक है, यानी कैश सिस्टम है तो कैश पे हो गया हो, मर्सेंटाइल सिस्टम है तो वो रिकॉर्ड हो गया हो. क्लियर है, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी. ये भी बहुत ईजी है ना, हमें पता है पे करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम लेंगे ना उसकी डिडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, प्रीमियम और किस बात के लिए ले सकते हैं. द प्रीमियम में इवन टेक द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ट्रेड एसोसिएशन विच अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द लॉस. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बिजनेस की ना ट्रेड एसोसिएशन यानी ट्रेड्स की एसोसिएशन, यानी बिजनेस की या फिर प्रोफेशंस की, जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही होगी आपकी, बिजनेस या फिर प्रोफेशंस की एसोसिएशंस होती हैं. एसोसिएशंस क्या करती हैं कि मान लो उस पर्टिकुलर बिजनेस को या फिर उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को कोई लॉस हो जाता है, किसी भी वजह से कोई लॉस हो जाता है जो उनको लगता है कि वो इंडेमनीफाई करें. ठीक है, तो उसके लिए भी वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं किसको, ट्रेड एसोसिएशंस को. वो क्या करते हैं, अगर लॉस होता है तो वो सारे मेंबर्स मिलकर उसको लॉस को फुलफिल करते हैं. ठीक है, वो इसीलिए उससे प्रीमियम लेते हैं. क्लियर है स्टूडेंट, यानी वो ट्रेड एसोसिएशन फुलफिल कर देती है लॉस को, वो इंडेमनीफाई कर देती है. ठीक है, क्लियर है, तो अगर ऐसा कुछ हमने लिया है उसके लिए जो हम प्रीमियम पेड कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी. इट डज नॉट मैटर द पेमेंट ऑफ द क्लेम विल इन्योर टू द बेनिफिट ऑफ समवन अदर द ऑनर. मान लो अगर उसने कुछ इंश्योरेंस वगैरह इस जैसे भी बात की ट्रेड एसोसिएशन की, तो जरूरी नहीं है ना ऑनर के लिए खुद के लिए हो, एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए उसने कुछ करवाया, ऐसे कुछ केस में भी उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर टू नॉट टू बी अलाउड. जैसे हमने बात की थी पहले भी, रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड होती है, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होती. कैपिटल रिपेयर्स को आप क्या करोगे, आप उस असेट की वैल्यू में ऐड करोगे, आप उस असेट की वैल्यू में ऐड करोगे. ये बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं. क्लियर है स्टूडेंट, अब जैसे मैंने आपको सेक्शन 30 की समरी बनवाई थी, ऐसे ही मैंने सेक्शन 31 की भी समरी बनाई है. यू डू नॉट नीड टू रीड द एंटायर सेक्शन. ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार जब अभी आपने क्लास सुनी है साथ के साथ पढ़ो, उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये समरी पढ़नी है रिवाइज करते हुए. ठीक है, इसको मार्क कर लो. इसमें क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑनर का, एक पॉइंट ऑफ व्यू टेनेंट का. रेंट किसको अलाउड होगा, रेंट किसको अलाउ होगा, यहाँ पर रेंट अलाउ होगा हमारे, एक मिनट स्टूडेंट्स,
इस समरी में ना जो रेंट वाली बात है ना, ये गलती से आई हुई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको कैंसिल करो, ठीक है? क्योंकि ये बिल्डिंग वाला, ये से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, ये इसको कैंसिल करो, ठीक है? इसको कट कर लो अपने नोट्स में, कहाँ से बात हो रही है, इंश्योरेंस से, और ऐसे ही इसके मार्किंग को सही करो, ठीक है? तो अब बात क्या हो रही है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसको अलाउ होगा, ऑनर को भी अलाउड होगा, और इनकेस टेनेंट है तो उसको भी अलाउ होगा, ठीक है? एक मिनट फ्रेंड्स, ये सारी ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको कैंसिल करो, ठीक है? इसमें क्या लिखो, सबसे पहले यहाँ लिखो कि इंश्योरेंस क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है? इसकी समरी एक बार खुद से बना लो, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंश्योरेंस का अलाउड होता है, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड है, हमने बात की थी, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि हम इसको एसेट की वैल्यू में एडअप करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इंश्योरेंस अलाउड होता है, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड होती है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर की कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होती। जैसे बिल्डिंग के लिए बात की थी, वही सेम उसकी असेट में, उसकी असेट की कॉस्ट में वो एडअप होगी। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है? अब सेक्शन 30 हमने क्या बात की थी, सेक्शन 30 था बिल्डिंग का, बिल्डिंग के बाद आएगी हमारी प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, वो बात आएगी हमारी सेक्शन 31 में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एक बार रिवाइज कर लो, समरी मार्क कर लो, आपको बाद में सिर्फ वो समरी लर्न करनी, ठीक है?